हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन जैसा कि हमने कल के लेक्चर में आपसे आपको बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक कल के लेक्चर में खत्म हो गया था और नेक्स्ट टॉपिक हम आज से शुरू करने वाले हैं जो कि है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड तो इसके अंदर क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम उनके ग्राफिकल मेथड को यूज करके उन इक्वेशंस को डिराइव भी करेंगे सो लेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं कितने टाइप की होती हैं कौन कौन सी होती हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं सो वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाई अ सेट ऑफ इक्वेश नोन एज द इक्वेश मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन क्या लोग मतलब एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन क्या लोग मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की जो विलोसिटी होगी जो उसकी एक्सेलरेशन होगी जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा और जितना उसने टाइम लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में तो इन चारों चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं और जो चीजें या फिर कह लो कि जो इक्वेशन जिन इक्वेशंस के थ्रू हम इन चार चीजों को इक्वेट कर रहे हैं उनको ही हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं सो देर आर थ्री सच इक्वेशंस हमारे पास ऐसी तीन इक्वेशन हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं वो कौन कौन सी है फर्स्ट वन इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है दूसरी है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और लास्ट है आपकी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस तो ये तीन आपकी इक्वेश ऑफ मोशन है तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी तो इसके अंदर हमने देखिए एक v आपका वर्ड यूज हुआ है एक u यूज हुआ है एक a यूज हुआ है एक t यूज हुआ है और एक s यूज हुआ है तो क्वेश्चन उठता है कि ये जो v, u, a, t और s है एक्चुअली में ये है क्या तो बताया हुआ है वेयर v है जो आपका वो फाइनल विलोस्टी है ऑब्जेक्ट की u इनिशियल विलोस्टी है ऑब्जेक्ट की a एक्सलरेशन है ऑब्जेक्ट का t जो टोटल टाइम लिया है मोशन के टाइम पे वो है

इन चारों चीजों को रिलेट करके जो हम इक्वेशंस बनाते हैं उनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं या फिर इन चारों क्वांटिटीज को जो रिलेट करता है उसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी फर्स्ट वन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सेकेंड वन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू टू एस तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी कि हम पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जैसे जो की थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी उसको हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके डिराइव करने वाले हैं सो इक्वेशन फॉर विलोस्टी टाइम रिलेशन ये भी उसका एक नाम है तो इसके लिए हमने क्या किया <coughs> हमने कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मूव कर रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो उसको हमने एक ग्राफिकल उसका विलोस्ट टाइम ग्राफ से उसको डिपिक्ट करने की मतलब बनाने की कोशिश की है तो अब हमने क्या किया भाई टाइम ग्राफ लिया है जिसके अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया है अलोंग वाई एक्सिस हमने उसकी विलोस्टी ली है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने बता दिया एक्स एक्सिस पे आपकी टाइम है वाई एक्सिस पे आपकी विलोस्टी है अब देखिए ऑब्जेक्ट ने क्या किया वो जीरो से ना शुरू होकर कुछ मतलब सर्टेन आप कह सकते हो कि जब टाइम जीरो था तो वो कुछ इस पोजीशन पे था यहां से उसने चलना शुरू किया तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मूव कर रहा है तो यहां से जब वो मूव करेगा तो अलौगा स्ट्रेट लाइन जो होगा उसका एक पाथ शो करेगा हमारे को कि वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो अब क्या हुआ भाई <coughs> उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है क्योंकि हमने अभी बात की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की तो स्टार्टिंग पोजीशन पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे और यू से उसको शो करेंगे अब जहां पे वो रुका मान लिया मान लीजिए कि बी तक वो आया है बी पॉइंट तक आया और बी पॉइंट पे आके उसने अपनी जर्नी या फिर मोशन को यहाँ पे एंड कर दिया तो बी पॉइंट पे उसकी जो फाइनल विलोस्टी होगी उसको हम वी करेंगे इसके पैरेलल में हमने एक डॉटेड लाइन शो की है मतलब यहां तक इसकी विलोस्टी क्या होगी फाइनल विलोस्टी होगी सो ओ टू ए पॉइंट तक जो है उसकी इनिशियल विलोस्टी को शो कर रहा है जो कि U है और ऐसी ओ E तक उसकी फाइनल वेलोसिटी V है पता ये ओ टू ई जो डिस्टेंस है ये विलोस्टी वी को डिपिक्ट कर रहा है ओ टू यू ओ टू ए यू को बता रहा है ऐसे हम सी टू डी को भी यू से डिटरमाइन कर सकते हैं और बी सी को भी हम वी से डिटरमाइन कर सकते हैं वी से शो कर सकते हैं और जो ओ टू सी तक का पाथ है वो आपका टाइम का रहेगा अब हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें यहां पे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कहीं कही ना कहीं डिराइव करना है तो उसके लिए क्या है कि हम ग्राफिकल मेथड का यूज करें तो फ्रॉम ग्राफ देखिए यहां पे आपकी एक्सलेशन भी आ गई क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मूव कर रहा है कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस भी कवर किया है यहां से यहां तक जाने में वो भी आपका क्योंकि देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम डिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे हैं बट यहां से यहां तक जाने के लिए हम डिस्टेंस भी उसका मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द एरिया अंडर द दर्व अब यहाँ पे टाइम ओ टू सी है आपका ओ टू ए आपकी इनिशियल विलोस्टी है और ओ टू ई आपकी फाइनल विलो है सो नाउ ग्राफ से हमें क्या पता चला कि जो बी टू सी है बी टू सी जो आपकी लाइन है वो क्या है बी टू डी प्लस सी टू डी मतलब सी डी प्लस बी डी मिलकर क्या बना रहे हैं आपकी BC लाइन को बना रहे सो बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी बी सी इक्वल्स टू बी डी ये वाला पार्ट प्लस सी डी आसान सी बात है सो so, ये हियर बी सी इक्वल्स टू बी सी को और क्या लिख सकते हैं हम बी डी प्लस अब क्योंकि सी डी और ओ ए दोनों ही इक्वल है तो सी डी को हम ओ ए भी लिख सकते हैं प्लस ओ ए अब यहां पे क्या है जो बीसी है मैंने पहले ही कहा था बीसी आपकी फाइनल विलोस्टी वी को दिखा रहा है और ओ ए आपकी इनिशियल विलोस्टी यू को दिखा रहा है तो हमने बीसी को वी लिखा है और ओ ए को यहां पे यू लिखा है सो so, हियर जो हमारी इक्वेशन इसके अंदर हम क्या है बीसी और ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी वी इक्वल्स टू बी डी प्लस यू दैट इज इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन नंबर वन अब हमें करना क्या है बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी अब बी डी क्या है बी डी है आपका वो टाइम या फिर वो uh, पोर्शन है जिसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी यू थी वो चेंज होकर आ गई मतलब इस पार्ट को हम क्या कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी का पार्ट कहेंगे अब जो एक्सेन होती है ऑब्जेक्ट की वो किसके द्वारा दी जाती है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय अगर डेफिनेशन को ध्यान देंगे डेफिनेशन डेफिनेशन पे तो थी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आता है वो एक्सेलरेशन को बताता है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम टेकन तो चेंज इनसी किससे शो कर रहे हम बीडी से शो कर रहे हैं और टाइम जो है वो आपका ओसी से, से शो कर रहे हैं या फिर एडी से शो कर रहे हैं सो एक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई ए डी एंड अगेन ए डी इज इक्वल्स टू ओसी तो एडी को हम ओ सी ओ सी से रिप्लेस कर देंगे तो एडी बिकम्स ओ सी सो इट इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ओसीवल टू बी डी ओ सी क्या है आपका टाइम टेकन इक्वल है सो so, ओसी रिटर्न एज स्मॉल टी दैट इज टाइम टेकन तो यहां से टी को हम इस तरफ लेके आएंगे तो बी डी की वैल्यू आ गई आपकी ए इंटू टी अब हम जो बी डी की वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर वन के अंदर रखेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी यूजिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन टू वी गेट वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे डेरिवेशन हो जाता है तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका डेरिवेशन है उसको हम फर्स्ट फिर से देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मूव कर रहा है तो उसके लिए हमने ग्राफिकल एक ग्राफ शो बनाया है आपका विलोस्टी टाइम के लिए तो विलोस्टी टाइम ग्राफ के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट था वो जीरो से ना शुरू हो गया कुछ इनिशियल वैल्यू से शुरू हुआ इनिशियल विलोस्टी के लिए हमने इनिशियल वैल्यू ली तो ए से शुरू हुआ यूनिफॉर्म मोशन में है, तो स्ट्रेट लाइन कर उसका पाथ शो करेगी तो इनिशियल विलोस्टी से वो फाइनल विलोस्टी वी तक आया और जो ओ सी है वो टाइम टेकन को शो कर रहा है यहाँ पे तो ग्राफ से हमने क्या डिपिक्ट किया जो BC कर्व आई है हमारी ये BC लाइन है ये किसी इक्वल है बी डी प्लस सी डी इक्वल है तो हमने लिख लिया BC इक्वल टू बी डी प्लस सी डी एंड सी डी हियर इज द वेलोसिटी यू या फिर ओ ए के इक्वल है ओ ए यू के इक्वल है तो BC इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए हो गया BC और ओ ए की हमने यहां पे वैल्यूज पुट की तो BC बिकम्स वी इक्वल्स टू बी डी प्लस यू

अब बी की ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन के अंदर रखी तो वी बिकम्स यू प्लस ए टी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम कल करने वाले हैं थैंक यू स्टूडेंट्स